हेलो फूडीज़, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशाखा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। तो आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे और तीखे स्वीट कॉर्न, जिसे हम मॉल्स में या थिएटर में या फिर स्ट्रीट में देखते हैं ही, तो इसकी खुशबू से हमें खाने का मन करता है। तो चलिए इसे हम फटाफट बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न लिया है 1.5 कप इतने, जिसे अच्छे से धो लिया है। अब चलिए इसे उबाल लेते हैं। तो पानी को उबालने के लिए रखेंगे बड़े से बर्तन में। अब इसमें कॉर्न्स डालेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और 5 से 7 मिनटों के लिए पका लेंगे। 5 से 7 मिनटों के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से पक गए हैं, तो इसे हम छन्नी में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को मैंने आंच पर रखा है। इसमें अब जाएगा 1 बड़ा चम्मच बटर। तो बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड कॉर्न्स डालेंगे और बस 1-2 मिनट के लिए बटर में अच्छे से भुनेंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाते हैं और एक अच्छी सी शाइन आ जाती है इस पर। सिंपल ही बनाएंगे। तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अपने स्वाद के अनुसार चाट मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसमें आप काला नमक, जीरा पाउडर या नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। देखिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने थोड़ी सी ताज़ी धनिया की पत्ती भी डाली है। तो हमारा चटपटा और मसालेदार स्वीट कॉर्न बन गया है। तो इसे हम थिएटर में खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो क्यों ना घर पर ही इसे बनाइए और TV देखते हुए इस स्पाइसी और चटपटे कॉर्न को इन्जॉय करें। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाइए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।